नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार ऑयल फ्री रेसिपी। इसे खाके आपका मन तो नहीं भरेगा, पेट जरूर भर जाएगा। वो कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी। इतना लजीज ऑयल फ्री रेसिपी, इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी जब आप नहीं खाना चाहते हैं ऑयल, तो इस तरीके से आप रेसिपी बना के मजे ले सकते हैं। बहुत ही चटपटा होगा और बहुत ही आसान होगा। तो आइए हम बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो ये देखिए, हम गेहूं का आटा ले लिए हैं, 200 ग्राम है ये गेहूं का आटा। इसे छान के ले लिए हैं और हम 2 बड़े चम्मच सूजी लिए हैं। इसे हम डाल लेंगे गेहूं के आटे में ही, और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम इसमें अचार का मसाला डालना चाहते हैं। तो इसलिए हम अचार का मसाला डालना चाहते हैं कि बहुत ही चटपटा लगेगा और हमें कोई मसाला की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो मिर्च का डालें या आम का डालें, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिर्च का अचार मैं कैसे बनाई हूँ आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, हम मिर्च अचार को डाल लिए अच्छे से मसाले में। अच्छे से मसलने के बाद में इसे बिल्कुल हमें, जैसे हम रोटी के लिए चपाती के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही हम पानी डाल के और बिल्कुल नरम सा आटा लगा के रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं, मैं इसे गूंद लेती हूँ आटा को पहले, और उसके बाद मैं फटाफट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो 5 मिनट हम रेस्ट पर रख दिए थे आटा को, और अब हम बनाएंगे। तो देखिए, 5 मिनट के बाद में जो हमारा सूजी था वो भी फूल गया है। तो आप चाहें तो इस तरीके का गोल गोल टिक्की के तरह भी बना सकते हैं इसे, और आप चाहें तो दूसरे तरीके का भी बना सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके का भी बताती हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से सारा लोई को बना के रख ले। थोड़ा सा पूरी से बड़ा साइज है ये, और मैं आपको बताती हूँ। इधर मैं पानी बॉयल होने के लिए रख दी हूँ और इसे ढक दी हूँ, और एक लोई में सब उठाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, और पूरी से मोटा बेल के रेडी करेंगे। यानी कि हमें बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है इसे। तो देखिए, हम इस तरह से एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इसे ला के ज्वाइंट कर देंगे। देखिए, तो इस तरीके से गांव में बनता है दाल की दुल्हन। आप चाहें तो इस रेसिपी को दाल में भी बॉईल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे पानी में भी बॉईल करके और इस चटपटा सा रेसिपी का मजा ले सकते हैं। तो देखिए, हम दूसरा भी इस तरीके से बेल के रेडी करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन दिखने में लगता है ये रेसिपी ऑयल फ्री, और बहुत मजा आता है खा के। आप जरूर ट्राई करें एक बार। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इन तीनों कॉर्नर को लाके हमें बीच में ज्वाइंट कर देना है, और आपका जो आटा है पूरी का जो है, इस तरीके से रेसिपी में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब हम जो बना के रखे हैं दाल की दुल्हन, आप बोलते हो चाहे जो भी बोलते हो, हमारे गांव में तो इसे दाल की दुल्हन बोलते हैं, लेकिन वो दाल में बनता है। तो इसमें दाल में नहीं बना रही, मैं इसे पानी में बॉयल कर रही हूँ। तो दाल में अगर बनाते हैं तो और हेल्दी बन जाएगा ये। तो देखिए, हम पानी में इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी हम इतना ही लिए हैं कि जितना अच्छा से डीप हो जाए। थोड़ा सा कम भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। तो अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम करके 10 से 15 मिनट बॉईल करेंगे, और देखेंगे उसके बाद में। तो हमारा जो ऑयल फ्री रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन पक के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा बॉईल हो गया है। तो अब हम इसे निकाल के अलग रखते जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारा निकाल लेंगे। पानी को अच्छे से छान लें आप, और इसके बाद आप प्लेट में निकाल के रखते जाएं। तो ठंडा होने के बाद में या गर्मा गर्म अपने फैमिली को आप किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में उतना ही टेस्टी है, क्योंकि इसका खुशबू इतना बढ़िया है ना अचार की वजह से, कि आप इसे जरूर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दें, और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो हम रोजाना ही आप सभी के लिए एक से एक नया नया वीडियो लेके आते हैं। तो रोजाना खाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हम मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को।